गाइस वेलकम बैक, मैं हूँ शाइन शर्मा एक नई रेसिपी के साथ आपके साथ आ रहे हैं। आज हम बनाने जा रहे हैं मंदी, क्योंकि मैं मंदी की रील डाली थी मगर मंदी की रेसिपी नहीं भेजी थी, इसलिए आज हमें मंदी बनाने हैं। जिसके लिए पहले हम मसाले बता देंगे आपको, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप चिकन पे जाएंगे अपन। देखिए ये फ्राई करे ऑनियन है जो मैंने रखी है, इसे देखिए ये पूरा टॉपिंग पे डालने की चीज़ आएँ, बादाम, किशमिश और काली मिर्ची। और एक ही बॉल में मैंने 2 चम्मच जीरा, 2 चम्मच धनिया, 1 चम्मच शाहजीरा, 6 इलायची और ये पट्टा रख दिए। आप चाहे तो 4 लौंग भी इसमें ऐड कर लीजिए, करके पूरे चीज़ों को हमें भुनना है, भून के पीस लेने का। ये हमारा मंदी का मसाला है रेडी करना है। हेलो गाइस, देखिए यहाँ पर मैंने 4 किलो चिकन ली हूँ और जो मीडियम साइज में बिग साइज ली हूँ। देखिए इस तरह से साइज होना, हमें हैंड्स चाहिए, लेग पीस चाहिए, हमें देखिए ऐसे बिग पीसेस चाहिए, जिसे हमें हर एक टुकड़े को 5-5 निशाना लगाइए, 4-4 इडली जैसा लगाइए, ताकि हमारा मसाला पूरा इंग्रेडिएंट अंदर तक जा सके इसके अंदर। इस तरह से लगा देखे, लगाना है देखिए पूरे पीसेस को अच्छे से, 1-4 पानी में साफ धो लीजिए आप। धो लेके इसे हमें जो सो निशान लगाने का, 4-4 निशान लगा दीजिए आप डीप, ताकि पूरे ग्रेवी हमारी इसके अंदर तक गए। देखिए गाइस इसी के अंदर हम जो सो फर्स्ट 1 चम्मच जो सो मिर्ची मिलाएंगे, आधा चम्मच हल्दी, और ये 1 चम्मच नमक, बड़ा स्पून है इस वजह से हम 1 चम्मच नमक इसमें ऐड करेंगे, और गरम मसाला पाउडर। देखिए मेरे पास एवरेस्ट का गरम मसाला पाउडर है, आप गरम मसाला पाउडर डाल दो, क्योंकि 1 चम्मच के उतना पाउडर डालिए गरम मसाला पाउडर। थोड़ी काली मिर्ची टॉपिंग पर डालेंगे हम, और काली मिर्ची जो मसाले हमने भून के रखे है उसे पीसते वक्त उसमें थोड़ी सी मिलाएंगे काली मिर्ची। देखिए टिबल 9 फूड कलर है अपने पास रेडी, वो डाल लीजिए इसके अंदर। देखिए गाइस अब इसके अंदर हम 5 नींबू का रस डालेंगे, अगर आपके पास नींबू बड़े हैं तो आप 4 डालिए, अगर मीडियम साइज के हैं तो 5 नींबू का रस डालिए, और उसी में हमने जो सो 1 किलो दही डालना है, क्योंकि 4 किलो है ना उस हिसाब से 1 किलो दही लगता है, इसमें ही डालना है। देखिए गाइस अब ये सब चीज़ें हम डाल दिए हैं, अब उसके बाद हमें अच्छे से इसे मिक्स करना है, ताकि पूरा हमारा ग्रेवी पूरा अंदर तक जाए, इस वजह से हम निशान लगाए हैं, और इसे हम पूरा अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। मिक्स करके फिर नेक्स्ट स्टेप बोलती हूँ मैं क्या करना है। देखिए गाइस हमने ये सब लगा के रखा है, इसके बाद हम जो फ्राई करके रखे थे ऑनियन वो तेल हम इसके अंदर डाल देंगे, और जो मंदी मसाला हमने पीस के रखा था जिसे भून लिया हम लोग का, उसके बाद देखिए 1 चम्मच ही डालिए आप, और थोड़ा सा मैंने उठा के रखी है वो जो अदहन के टाइम पे अपन डालेंगे, और 1 मैगी मसाला की पैकेट ले लीजिए, आपके पास क्यूब है तो आप क्यूब भी डालिए, मेरे पास मैगी की पैकेट है इसलिए मैं मैगी मसाला भी इसके अंदर ऐड करी हूँ। मैं जो जो चीज़ें डाली है आप वही डालिए, उससे बहुत यम्मी टेस्टी होती है आपकी मंदी, यकीन करिए आप बहुत अच्छी होती है। और किस शहर से किस सिटी से आप मेरे को देख रहे हैं प्लीज़ मेंशन करिए, और आप फरमाइश करिए कि आपको क्या चाहिए, मैं हर एक रेसिपी नई आऊँगी। आप लोग लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, तो इंशाल्लाह ताला मैं नई रेसिपी के साथ मिलूंगी। देखिए मेरे पास 2 माल्टा है, मैं 2 माल्टे का रस निकाल के रखी, आप चाहे तो 2 ऑरेंजेस भी ले लीजिए, ले लेके उसका रस निकाल के रखिए, इसमें निकाल के आधा रस हम इसमें ग्रेवी में डालेंगे, आधा रस हम थोड़ी रखेंगे उठा के, जब नेक्स्ट स्टेप में मैं आपको बोलूंगी। अब इसे अच्छी तरीके से हम एक बार मिक्स कर लेंगे पूरे चीज़ों को, जो ग्रेवी का मसाला है, जो मैगी मसाला है हमारा, और माल्टा है, ये सब हम जो डालें उसे अच्छी तरीके से हम मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के हम जैसे इसे एक 1 आवर के लिए रखेंगे, आप चाहे तो ओवरनाइट भी इसे लगा के रख सकते हैं तो और आसानी हो जाती है आपको। अगर आपके पास कोई पकना है, कोई गेस्ट आ रहे हैं, तो आप जैसे कम से कम 1 घंटा इसे लगा दीजिए,
लगा के रख दीजिए। देखिए इसी तरह से कलर वगैरह आता है जैसा मैं बता रही हूँ, स्टेप बाय स्टेप वैसी बनाइए आप, बहुत यम्मी टेस्टी मंदी बनती है। नेक्स्ट स्टेप क्या करना मैं बोलूँगी आपको। देखिए गाइस हम सरसम 2 आवर्स हो गए हैं हमारे, अब हमारी मंदी की रेसिपी रेडी है। अब हम इसे स्टोव पे चढ़ा दिए है, चढ़ाने के बाद हमें इसे थोड़ा सा पकाना है। पकाने के बाद हम इसमें से एक एक पीसेस अलग कर देंगे करके, यही बगन में मंदी बनाना है हमें। इससे पहले ही मैं बड़ा भगोना ली इसलिए इसे इसमें ग्रेवी लगा दी। अब हम स्टोव पर चढ़ा दिए है, अब इसे हाफ एन आवर के लिए हम रख देंगे। उसके बाद ग्रेवी होने के बाद पीसेस अलग करेंगे और इसी में हम मंदी बनेंगे। देखिए गाइस यहाँ पर 2 किलो चावल लिए हैं हम, जो हम इसे भिजने रख डाले हैं एक हाफ एन आवर के लिए। ये मंदी का चावल है अपना, बासमती रहे से ना, तो 2 किलो चावल लीजिए आप। अपा अगर आप 4 किलो ले रहे हैं गोश्त तो उसके हिसाब से 2 किलो चावल। इसमें मैंने सिर्फ चावल को भिजने रख देने का है, आपको इसमें कुछ नहीं डालना है एक हाफ एन आवर के लिए। देखिए गाइस हमारा जैसो मटर जैसो पकना रेडी हो चुका है। देखिए किस तरह से ग्रेवी करीब आ रही है। 10 मिनट्स के बाद हम इसमें से पीसेस अलग कर लेंगे और इसमें ही हम राइस डाल के जो मंदी स्टार्ट करेंगे। राइस हमारे मंदी के पीसेस पूरे रेडी हो गए हैं और जो मंदी की ग्रेवी है इसी में ही हमें चावल पलटा देने का है। तो चावल हमने भीगने दिए थे वही चावल को हम इसके अंदर पलटा दे रहे हैं। देखिए मंदी के पीसेस हमारे रेडी हो चुके हैं। अब हम जो मंदी का मसाला था, जो भगोना है जिसमें ग्रेवी थी, उसी में ही हमने जो सो चावल पलटा दिया। जो चावल हमने भिगने रखे थे वो चावल हम पलटा दिए। और देखिए वही उसमें ही आप सिर्फ 2 गिलास पानी ऐड कर दीजिए, ज़्यादा मत करिए, 2 गिलास पानी ऐड कर दीजिए ताकि ग्रेवी में भी ऑलरेडी थी वो ग्रेवी के अंदर, तो चावल को हमने भिगने रखे थे वो चावल मिला और उसके अंदर सिर्फ 2 गिलास ऐड करें। जैसा बघारे खाने को करते देखिए अपन, उस तरह से 2 गिलास करिए ऐड। अब मैं हरा मसाला डाल रही हूँ इसके अंदर, मैंने अब तक हरा मसाला नहीं डाला, हमने थोड़ा हरा मसाला भिगने रखे है। अब इसके अंदर हम हरा मसाला डालेंगे और जो माल्टा मैंने आधा जो उसमें लगाई थी ग्रेवी में और आधा उठा के रखी थी वो हम इसमें डाल देंगे। अब पूरा माल्टा डाल देते हैं हम आटे से एक बार इस तरह से मिक्स कर दीजिए। देखिए गाइस हमने जो सो मंदी के पीसेस पूरे अलग करके रख लिए थे और जिसमें जो ग्रेवी थी वही ग्रेवी में जो चावल मैंने भिगने डाला था वो चावल में डाल डाली। अब देखिए अदहन इतना करीब आ गया है, देखिए आप वही चावल के अंदर बघारी खाने के साथ 2 गिलास पानी ऐड कर लीजिए आप। ऐड करने के बाद देखिए ये चावल इतना करीब करीब आ गया है हमारा, 70% मंदी हमारी रेडी है। अब हम ये जो पीसेस है ना वो पूरे एक साथ इसके ऊपर डाल देंगे, डाल के थोड़ा सा डेकोरेशन करेंगे। देखिए गाइस हमने जो मंदी के राइस के ऊपर पूरे हमारे पीसेस डाल दिए हैं और थोड़ा हरा मसाला डाल डाले हैं। अब हम इसे 15 मिनट्स तक दम पे रखेंगे। दम के बाद देखिए हमारे पास यह फ्राई ऑनियन है और जो सो किशमिश है फ्राई और बादाम है, ये हम टॉपिंग पे डालेंगे और थोड़ा सा हरा मसाला, ये सब टॉपिंग पे डालना है हमें। तली हुई प्याज, किशमिश, बादाम, आप चाहे तो काजू भी लीजिए, मैं काजू स्किप करी, और हरा मसाला ये हम दम पे डालेंगे। देखिए गाइस दम के टाइम पे हम इसमें असली घी डाल रहे हैं, 2 चमचे असली घी इसके अंदर डाल दीजिए आप। दम के जो गिलास एंड पे डाल देखिए, इसके बाद फिर हम लीड क्लोज कर देंगे। 15 मिनट्स के बाद ही हम ओपन करके देखेंगे। देखिए हमारी मंदी दम हो रही है, तब तक हम मंदी की चटनी रेडी कर लेते हैं। इसके लिए मैं 2 किलो टमाटर ली हूँ, उसके अंदर 8 हरी मिर्चियाँ, कोथमीर पुदीना और जो सो अदरक लहसुन ले लीजिए और हमें 1 चम्मच इसी के अंदर जीरा है कच्चा जीरा ले लेके हम जो सो पीस लेंगे। अगर आप चाहें तो 2 चम्मच भी ऐड कर सकते हैं। ये सब जो सो चटनी की रेसिपी है। ये हम टमाटर, कोथमीर पुदीना, 8 हरी मिर्चियाँ, थोड़ा अदरक लहसुन और जीरा ये सब डाल के पीस लेंगे। हम नमक अभी नहीं डालेंगे, पीसने के बाद एंड पे नमक डालेंगे। हमारी मंदी बनके रेडी है, जो हम लोग जो सो फ्राई करके रखे थे जो सो ऑनियन और जो सो किशमिश, आलमंड और जो सो हरा मसाला ये सब मैं इसके ऊपर डाली और चटनी पीस के हमारी रेडी हो गई है। उसके बाद हम इसमें जो सो नमक मिला दिए चटनी पीसने के बाद। देखिए इस तरह से हमारी मंदी रेडी है। आप प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, तो मैं और एक वीडियो के साथ ज़रूर आऊँगी इंशाल्लाह। खुदा हाफिज़।